अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग बना रही हूँ मैं अपने घर पे, और ये मेरा बहुत प्यारा स्वीट होम है। और इसके साथ साथ आज ये भी बताते चलूँ कि आज है चांद रात, और चांद रात के हवाले से भी आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि चांद रात जो है सबकी बहुत स्पेशल होती है। तो आज चांद रात का चांद रात की रात है, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं अभी बाहर। ये देखें, ये है मेरा घर, खूबसूरत और ब्यूटीफुल घर। मेरा घर बहुत प्यारा है, तो मैं आपको अपने घर की का साथ साथ विज़िट भी करवाऊंगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, ये हमने ऑनलाइन मंगवाया था, और उसके अलावा ये भी, ये सारी चीज़ें मेरी अपनी पसंद की हैं। अब हम चलते हैं नीचे। ये है मेरे घर की प्यारी सी छत। ये है ब्यूटीफुल प्लांट्स, और इसके अलावा ये पिंजरा है, पिंजरे में हमने कबूतर रखे हुए हैं। ये जनाब तो सो रहे थे, मैंने इनको जगा दिया। फिलहाल अब रात का टाइम है, तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा सही तरह से। ये है मिट्टी के घर, और यहाँ पर भी मैंने ये मिट्टी के लगाए हुए हैं। अपने छत की सारी हिफाजत मैं खुद करती हूँ, पौधों को पानी मैं देती हूँ, उसके अलावा जो पिंजरे में हमने कबूतर रखे हुए हैं इनकी भी देखभाल मैं खुद करती हूँ। जी जनाब, तो अब हम जा रहे हैं नीचे। उससे पहले आपको ये सीढ़ियाँ दिखाती चले जाऊँ कि ये देखिए ये कितनी प्यारी है। और ये मेरा फेवरेट सीन है। और नीचे भी हमने एक पिंजरा रखा हुआ है, जिसमें हमने चिड़ियाँ रखी हुई हैं। ये देखिए, हेलो। क्या हाल है, ठीक हो? हेलो, आप कैसे हो? मैं आ चुकी हूँ नीचे, और आप मेरी बैग पे देखे होंगे ये सीन कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पीछे टीवी चल रहा है, और ये हमारी गुड़िया साहिबा आई हुई है मेहंदी लगवाने के लिए। जी तो अब मैं आपको एक ऐसे प्यारे से स्वीट से डोसे मिलवाती हूँ, जो कि वो सिर्फ पड़ा ही रहता है, और पड़ा रहता है या तो फिर खाता पीता रहता है, उसके अलावा इसको उसको कोई काम ही नहीं। जी जनाब, तो वो ये है, ये जो है ना, ये पड़े ही रहते हैं, और इसमें पीछे टीवी चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो रहे हैं। और इसके अलावा ये डेकोरेट, जो डेकोरेट पीस आपको नज़र आ रहा है, ये भी हमने ऑनलाइन मंगवाया था। ये देखिए, और अब यहाँ पर हो चुका है मेहंदी का काम शुरू। तो ये आई है हमारे घर में मेहंदी लगवाने के लिए। क्या नाम है आपका? हाँ, तो आपका नाम अभी है? पहले भी आई थी दोपहर के टाइम, ये खुद भी आई थी। इसको तो शुरू सुबह से ही पड़ी हुई मेहंदी लगवाने की, तो हमने इसको भेजा घर। उस वक्त अभी हम सफाइयाँ वगैरह कर रहे थे, और अभी हमने नहाया धोया भी नहीं था, तो ये बार बार चक्कर लगाई जा रही थी। अब फाइनली इसका टाइम आ गया मेहंदी लगवाने का। ये देखिए, लगा रही है मेहंदी जो है वो मेरी सिस्टर लगा रही है, और ये देखें अभी बिल्कुल स्टार्ट ही हुई है। और कौन सा डिज़ाइन आ रही हो ये वाला? जनाब के लिए कुर्सी रखी है, बल्कि ये मैंने अपने लिए रखी थी, और सरकार खुद चढ़ के बैठे हैं।
और अब ये सो जाएंगे बैठे बैठे। वाह, बाबा ने जिंगर बर्गर बना के दिए हैं, तो अब हम जिंगर बर्गर टेस्ट करेंगे और साथ में पियेंगे कोक। और ये हमारे छोटे मेहमान ताबिश जट साहब, क्या हाल है आपका? ठीक हो? अच्छा जी, तो अब हम खाने लगे हैं जिंगर बर्गर। आप देखें, ये पास करना आप कर लेते। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बाइट कैसे बनानी होगी, मैंने कभी खाया नहीं है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है फिलहाल तो। ये देखिए ऐसे खाते हैं, जिसने खाना होगा जिसने खाना है आ जाए, हम बना के देंगे, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे अपने अपनी तरफ से। मेहंदी लगवा के गई थी, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, छोटे छोटे हाथों पर नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाया, एक फूल भी नहीं डाला हुआ। वालों का ये हाल होता है, ये देखिए, और मेहंदी लगाने वालों का ये हाल होता है, ये देखो बेचारी के हाथ जो है गंदे हो गए मेहंदी लगाने से। रखो ऊपर, ओ बेटी चिंगड़ गई फेलिक्स, ये देखो ताबिश के साथ ही खेलता है ये, ताबिश ये तुम्हारे साथ ही खेलता है, सही, ये तुम्हारा दोस्त है हैं, तुम्हारा दोस्त है, ये दोस्त है, तुम्हें अपना दोस्त मानता है ये, इसलिए तुम्हारे साथ खेलता है। भाई इतनी जोर से मारी है, कहाँ गई, छुप गई वो देखो जो पकड़ लो ये देखो, मुझे दी मिली फेलिक्स, ये देखो, ये देखो। खारिश भी हो रही साथ ही सरकार के, वही तो ईद की तैयारियों में और घर की सफाई वगैरह करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने डिनर ही नहीं किया था, तो अब मैं डिनर करने लगी हूँ। डिनर में मेरे पास है पुलाव, उसके अलावा पैटी और दाल चाय। खाना क्या मैंने खा लिया हुआ है और अब है चाय का वक्त, तो मैं चाय पीने लगी हूँ। अब टाइम हो चुका है 4:30 और सब अपने अपने घरों को जा चुके हैं, और तकरीबन मेहंदी भी तकरीबन सबने लगा ली थी, बस मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, और मेरी सिस्टर जो है वो इस वक्त मेहंदी लगा रही है अपने आप पे, उसकी अब बारी आई है, फिलहाल उसने सबके मेहंदी लगाई और बेचारी थक भी गई थी, अब मैंने उसको फोर्स किया कि तुम अपने तो एक हाथ पे लगाओ, फिलहाल वो अपने एक हाथ पे मेहंदी लगाएगी, मम्मा के भी लग गई है, और मैंने नहीं लगाई मेहंदी क्योंकि मेरा दिल भी नहीं करा था, वो भी थक चुकी है और मैं खुद भी लगा लेती हूँ, लेकिन मैं भी थकी हुई हूँ, नींद भी मुझे बहुत आ रही है, तो बाकी ईद की तैयारी शैयारी तो हमने सारी कंप्लीट कर ली है, तो अब हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, अब कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।